सिस्टर आप कह रही थी कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो प्रॉब्लम कोई भी आए लेकिन हमें अपने मन की क्या स्थिति ठीक रखनी है हाँ जी बहुत इम्पोर्टेंट हाउ इज इट पॉसिबल आर दे रिलेटेड टू इच अदर सिचुएशन एंड स्टेट ऑफ माइंड नेचुरली ये इतना बड़ा तूफान है लोग मर रहे हैं चारों तरफ इतने हंगामा है सारा दिन टीवी पे बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते डॉक्टर्स का ये करते हैं लोग वीडियोस बनाते जाते एक ही बात चारों तरफ फैली हुई है तो कहीं अपने मन को वहां संभालना पॉसिबल है क्या इम्पोर्टेंट फर्स्ट है कि इसको प्रायोरिटी बनाए क्यों प्रायोरिटी बनाए इक्वेशन को चेक कर लेते हैं एक हमारी मन की स्थिति पहला इक्वेशन आज ये चेक करते हैं हमारी मन की स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं होती है hmm. हमारी मन की स्थिति हमारी चॉइस होती है सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी ऑल होल्ड ऑन टुडे हमारे मन की स्थिति हमारी चॉइस होती है हाँ हाँ हमारी मन की स्थिति हमारी चॉइस होती है हमारी मन की स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं होती है सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं एक घर में एक सिचुएशन आती है हुँ. घर में चार छः लोग रहते हैं परिवार में और एक सिचुएशन आती है तो उसी सिचुएशन में वो जो चार पाँच लोग होते हैं क्या उनका रिएक्शन एक जैसा होता है नहीं होता ना कोई कहेगा इतनी बड़ी बात है दूसरा कहेगा हाँ बड़ी बात तो है तीसरा कहेगा छोटी सी बात है चौथा कहेगा इसमें क्या बात है ये तो होता रहता है पांचवा तो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं डिफरेंट रिएक्शन टू द सेम सिचुएशन होता है या नहीं होता है? हाँ, होता है हम समझते हैं कि ये तो छोटे बच्चे हैं वो इतना आसानी से आराम से एक परिस्थिति को ले लिया लेकिन मदर्स पेरेंट्स डर जाते हैं नॉट नेरी बच्चे, बच्चे तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि एज वाइज देखने की जरूरत नहीं है एज चाहे बड़े हो या छोटे हो अलग आप जैसे कह रहे हैं घर में कई लोग रहते हैं ना और परिस्थिति एक ही है रिएक्शन सबका अलग अलग है तो मैं यही कह रहा हूँ सही बात है कभी कभी हम समझते हैं कि ये उम्र में बड़ा है तो इसका रिएक्शन ऑटोमेटिकली ही विल रिएक्ट लेस या ज्यादा स्टेबल हो गया होगा लेकिन उल्टा भी होता है कहीं कई जगह घर के बच्चे जो स्टेबल होते माँ वो ज्यादा रिएक्ट कर जाती so है तो इसका, पर नहीं 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 है। नहीं है। इसका परिस्थिति पर भी डिपेंडेंट नहीं है तो इसका किसपेन्डेंसी का पॉइंट निकलता इसका किस पे डिपेंडेंट so है फिर मन की शक्ति एग्जैक्टली फिर दैट इज द पॉइंट हर एक के इनर पावर हर एक की आंतरिक शक्ति राइट right? वो बच्चे हैं बड़े हैं वो नहीं फर्क पड़ता वो मेल है फीमेल है वो नहीं फर्क पड़ता वो सिचुएशन कौन सी है वो नहीं फर्क पड़ता वो डिपेंड करता है इनर पावर आंतरिक शक्ति लेकिन जिस बच्चे की या जिस इंसान का इनर पावर कम है उस उस बेचारे की क्या गलती है कोई ज्यादा पावरफुल पैदा होता है कोई बचपन से ही अलग नेचर exactly. से लेके संस्कार लेके पैदा exactly. होता है भालना है और आगे बढ़ाना है मोर और लेस जैसे आपने कहा हर एक का अलग अलग संस्कार होता है राइट right? किसी का घबराने का जी. संस्कार होता है किसी का एकदम पावरफुल रहने का संस्कार होता है किसी का कोई बात ठीक ना हो तो गुस्सा करने का संस्कार होता है किसी का शांत रहने का संस्कार होता है तो अलग अलग संस्कार होते हैं चाहे वो हम पैदा हुए थे उस संस्कार के साथ चाहे जीवन में वो संस्कार बना बट इम्पोर्टेंट है ये तो याद रखना कि ये तो हमारा संस्कार है इट इज़ नथिंग टू डू विद द सिचुएशन नो इट इज़ माई संस्कार ये तो मेरा सोचने का तरीका है और कोई भी संस्कार बदला जा सकता है राइट right? ये बदला जा सकता थोड़ा मुश्किल है ना क्यों मुश्किल क्यों तो संस्कार बदलना मतलब ओवरनाइट तो होता नहीं कोई हम भी अभ्यास करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे उस पर वर्क करेंगे और उसको बदलेंगे तो आपका मतलब ये है कि जब परिस्थिति आती है तो अभ्यास करने का मौका भी साथ में आता है अभ्यास तो हमेशा ही करना है और जब परिस्थिति आएगी तो तो एक जब एग्जाम आता है तो आदमी पढ़ता ही है ना पहले तो अब ये जीवन के एग्जाम्स तो बता के नहीं आते ना ये वाली परिस्थिति बताकर तो नहीं आई थी ना ये तो अचानक आ गई ना तो जीवन में परिस्थिति तो अचानक आती है वी हैव टू बी इक्विप्ड टू फेस द सिचुएशन तो सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज करते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन इसको बार 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 रिपीट करना है जितनी बार भी मन कहेगा ना दिस इज लाइक दिस बिकॉज ऑफ आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ़ आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ़ आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इसका करोना वायरस से कोई कनेक्शन नहीं है हम पहले भी तो ऐसे ही सोच रहे थे जो भी जीवन में बात आती कोई कुछ कहता कोई कुछ व्यवहार करता हम अंदर रिएक्ट करते और उसका जिम्मेवार हम सिचुएशन को ठहरा देते और वो हम जीवन वैसे जी रहे थे और तब ये बड़ी वाली परिस्थिति आ गई मतलब एक ग्लोबल सिचुएशन आ गई लेकिन अब हमें अपने मन का ध्यान रखना पड़ेगा और इसीलिए आज की पहली इक्वेशन हम सब इसको नोट करें आज हमने बहुत सारी चीज़ें नोट करनी है क्योंकि हमें चेंज करना है तो आज की पहली इक्वेशन मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है विच मींस भाषा बदलेगी हम ये नहीं कहेंगे क्राइसिस है तो डर तो लगना ही है नहीं क्राइसिस है डरना या निश्चिंत रहकर केयरफुल रहकर निर्भय रहना ये मेरी चॉइस है तो अपनी मन की स्थिति को परिस्थिति से डिसकनेक्ट करना है इंडिपेंडेंट बनाना है हम इमोशनली इंडिपेंडेंट कभी कभी ये बात सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ कभी कभी जो आप बात कह रही हैं कि निडर होके रहना है बोलते अरे कुछ नहीं होता चलो निकलो वो भी तो आदमी रूल्स भी तो तोड़ लेता है फिर कवमन... हाँ अगेन टेक केयर बट डोंट पैनिक वो लाइन को पकड़ के रखना है नहीं बट टेक केयर एंड डोंट पैनिक कि आपकी बात समझी लेकिन आपने कहा कि परिस्थिति आती है कोई बात नहीं उसको डरो मत तो चलो फिर निकल जाते है, जो हो जाते तो लाइन नहीं पकड़ी फिर लाइन नहीं पकड़ी कई लोगों कई लोग इसको उल्टा समझ भी लेते हैं ना बट दैट इज वेयर वी हैव टू होल्ड ऑन टू द लाइन राइट ना टेक केयर बट डोंट पैनिक बाहर की चीजों का भी hmm. ध्यान रखना है मन की स्थिति का भी ध्यान रखना है ऐसे नहीं एक का ध्यान रखा दूसरे में केयरलेस विच मीन्स बाहर की परिस्थिति का ध्यान रखा मन में डर क्रिएट कर लिया या दूसरा मन में ईजी हो गए पावरफुल रिलैक्सड हो गए तो सोचा बाहर के नियम क्यों फॉलो करना ऐसे नहीं दोनों बाहर का ध्यान मन की स्थिति का ध्यान आउटर वर्ल्ड का ध्यान इनर वर्ल्ड का ध्यान क्योंकि फाइनली परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए इन दोनों चीज़ों की जरूरत होगी ना दोनों की जरूरत होगी तो आज इसको फिर हम और आगे गहराई में चेक करेंगे लेकिन सबसे पहली लाइन नोट कर ले मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है ही मेरी वीकनेस है ये जल्दी घबरा जाना ओवर ओवर रिएक्ट करना हाँ जी तो मुझे क्या करना चाहिए तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको वेरी ट्रू अब सबसे इम्पोर्टेंट तो हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्योंकि हम अपने संस्कारों के साथ चल रहे थे हम में से बहुतों में डर तो पहले भी था लेकिन इस समय वो डर जितना था उतना नहीं रहेगा सो दैट्स वेयर वी हैव टू टेक केयर यू सी क्योंकि पहले जो हम अपने संस्कार के साथ चल रहे थे वो हमारा इंडिविजुअल संस्कार था डर लगता था तो थोड़ा सा कभी कभी लगता था अब क्या होगा अब एक है मेरा अपना डर मेरी अपनी चिंता मेरा अपना भविष्य के प्रति इनसेक्योरिटी वो मेरा अपना और दूसरा है ग्लोबल वाइब्रेशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है जैसे एक घर में चार लोग हैं अब एक अपने घर को विजुअलाइज करते हैं उसमें चार लोग है ठीक है अगर उन चारों में से एक के अंदर डर का संस्कार था वो भी घर अच्छे से चल जाता था एक थोड़ा डरता था तो बाकी तीन उसको प्यार से संभाल लेते थे चल चलना कुछ नहीं होगा चलो चलो सब ठीक हो जाएगा करके तो वो एक जिसके पास डर का संस्कार था वो बाकी तीन के सहयोग और सपोर्ट की वजह से अपने जीवन की परिस्थितियों को मैनेज कर लेते थे राइट hmm. लेकिन right. अब जो सिचुएशन आई है उस घर में वो चारों के पास डर है अब राइट हो गया जी, अब जब चारों के पास डर आ गया तो जो वो एक था जिसके पास पहले से डर था तो पहले बाकी तीन उसको सपोर्ट करके हेल्प कर लेते थे अब वो तीन के पास भी डर आ गया तो वो जो एक होगा उसका डर क्या हो जाएगा उसका क्या होगा उसका डर हाँ उसका डर तो वो, दर... वो भी डर जाएगा नहीं डर तो वो पहले भी रहा था हाँ। लेकिन अब और तीन लोग अच्छा, देर, ट्रिपल हो जाएगा। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इससे हमें अपनी जिम्मेवारियां समझ में आने जिम्मेवारली इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं ना इस पे ये बहुत डेंजरस तो फैलती है वायरस फैलता है, virus है आगी। वैसे ये फियर भी मतलब किसी का बढ़ सकता है एक दूसरे से एग्जैक्टली एग्जैक्टली बढ़ रहा है और क्योंकि तो ये भी कंटेजियस डिजीज हो गई एक्जैक्टली यही तो वाइब्रेशन्स है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो वायरस है उससे तो हम बच जाते हैं ना क्योंकि हमें इतने प्यार से समझा दिया गया घर में रहो इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं निकलना है तो हम उसको एक्यूरेटली फॉलो कर रहे हैं वी आर सेफ हम घर में हैं वी आर सेफ लेकिन जो वाइब्रेशंस है वो तो दीवारों और दरवाज़ों से नहीं रुकेंगी ना इट्स इन दी एयर वो तो हवा में है तो हम hmm. घर पे अपने आप को फिजिकली सेफ रख सकते हैं लेकिन हम घर पे रहने से इमोशनली सेफ अपने आप नहीं हो जाएंगे दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो अपने मन के घर को कैसे बंद करें वेरी गुड अब आ गए ना हम अपने पास कि अपने मन की स्थिति का कैसे ध्यान रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब एक हमने देखा कि चार लोगों के घर था वो और वो तीन hmm. लोगों का असर एक पर पड़ा अब इस समय चार लोगों के अंदर डर नहीं है hmm. लेकिन करोड़ों 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 मन के अंदर डर है तो आप सोचो वो एक एक मन जिसके अंदर पहले से डर था उस पर कितना असर पड़ रहा होगा दिस इज टू बी विजुअलाइज और अगर ये हम देखेंगे ना तो सच में हमें अंदर से ये आएगा कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सोच को बदल के अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बदल के खुद को भी बचाना परिवार को बचाना और इकट्ठे अपनी वाइब्रेशन से देश और विश्व को बचाना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है इस समय hmm. तो ग्लोबल वाइब्रेशंस ऑफ द प्लैनेट अब सिर्फ हाइपोथेटिकली एक फिगर क्रिएट करते हैं अभी हाँ सपोज हम एक अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही है ये कोई साइंटिफिक फिगर नहीं है जस्ट एग्जाम्पल के लिए है कि सपोज इस समय हमारे विश्व की वाइब्रेशन सपोज़ वाइब्रेशन जीरो टू हंड्रेड पे हम रखते हैं और इस समय क्योंकि थोड़ी सी वाइब्रेशन लो है तो सपोज़ हम कहें कि इस समय विश्व की वाइब्रेशन थर्टी है लेट्स से ठीक है थर्टी रखते हैं उसको तो दैट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ द planet Achha. और हम भी अगर एवरेज पे चल रहे हैं थोड़ा डर कभी थोड़ा डर कभी ठीक ठाक ऐसा एवरेज पे चल रहे हैं तो सपोज़ हम फोर्टी फिफ्टी के पास है राइट hmm. right? तो विश्व की वाइब्रेशन थर्टी और हम फोर्टी फिफ्टी पर हैं तो वो जो विश्व की वाइब्रेशन है ना वो हमारे ऊपर असर कर देगी बिकॉज दैट इज़ एट थर्टी एंड वी आर एट फोर्टी फिफ्टी तो इसकी एनर्जी हम पर असर कर देगी और हम फोर्टी फिफ्टी पर रहेंगे नहीं हम थर्टी ट्वेंटी की तरफ खिंचते हुए नीचे चले जाएंगे क्योंकि वो लो एनर्जी हम पर असर कर देगी ना अच्छा, तो लो वाइब्रेशन ए... हम पर असर कर देती है जो वीक, होगा, और इसमें वीक, होता जाएगा। इसमें वीक नहीं आप सिर्फ फिगर देखेगा कि फ्रीक्वेंसी है अगर मेरे आसपास के विश्व की फ्रीक्वेंसी थर्टी है और मेरी वाइब्रेशन फोर्टी या फिफ्टी है तो ये थर्टी क्योंकि करोड़ों की है और महीनों से है तो ये मेरे ऊपर असर कर देगी हम कहते हैं ना अदर पर्सन वाइब्रेशन अफेक्टेड मी उनकी नेगेटिव वाइब्स मुझे मिली तो अभी इस समय उनकी इज नॉट वन और टू ना उनकी इज करोड़ों वाइब्स तो वो जो फोर्टी फिफ्टी पे होगा ना वो नीचे की तरफ खिंच के चला आ जाएगा इसलिए इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी एवरेज मन की स्थिति पर नहीं रह सकते वी विल हैव टू बी वेरी वेरी हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी हाई विच मीन्स अगर देट वील्स सी वॉट टू डू बट इम्पॉर्टेंट है मुझे पहले पता होना चाहिए दैट आई नीड टू बी एट अ हायर वाइब्रेशन तो अगर विश्व की वाइब्रेशन फोर्टी है थर्टी है तो हमें अपनी वाइब्रेशन सेवेंटी एट्टी नाइन्टी ऐसे रखनी पड़ेगी तो नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सेंग डर और एंगजाइटी तो नॉर्मल है ना इस टाइम हमें कहना होगा इस समय हाई एनर्जी वाइब्रेशन नॉर्मल है इस समय हाई एनर्जी वाइब्रेशन ज़रूरत है नेसेसिटी है हमें अपनी भाषा को बदलना होगा और जब हमारी वाइब्रेशन हाई आएगी तो जो आसपास की वाइब्रेशन है सृष्टि की वाइब्रेशन है वो हम पर असर नहीं करेगी लेकिन जो हमारी वाइब्रेशन है उसका असर हमारे आसपास पर और सारे विश्व पर होना शुरू हो जाएगा बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट तो हायर फ्रीक्वेंसी से एनर्जी लोअर पर जाएगी जैसे एक घर में अगर चार हैं, तीन अशांत हैं, लेकिन एक शांत है तो वो एक का असर धीरे धीरे बाकी एक पर दो पर तीन पर पड़ना शुरू होता है ना होगा या नहीं तो वो एक को वो एक को क्या करना है अपने आप को हायर वाइब्रेशन एनर्जी पर लेकर आना है तो हमारी आज की थर्ड इक्वेशन जो हमें याद रखनी है कि हम अपनी नॉर्मल मन की स्थिति पर नहीं रह सकते विच मीन्स एक हम अभी लो वाइब्रेशन पर नहीं रह सकते दूसरा हम अपनी नॉर्मल पर भी नहीं रह सकते कि कभी थोड़ा डर कभी थोड़ा गुस्सा कभी थोड़ी चिंता कभी थोड़ा क्रिटिसिज्म ये हमारी नॉर्मल फोर्टी फिफ्टी पर भी हम नहीं रह सकते अगर फोर्टी फिफ्टी पर रहेंगे तो नीचे खिंच जाएंगे इस समय हमें बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी पर रहना है वेरी वेरी हाई इस हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में हमारी सुरक्षा है और हमारी हाई एनर्जी वाइब्रेशन से प्लानिट की हीलिंग है सो थर्ड इम्पॉर्टेंट होमवर्क फॉर एस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी I have to remain at a very high vibration state of mind.